देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, सिंगल वर्क, दूसरा होता है कलेक्टिव वर्क और स्मार्ट वर्क। किसी भी कार्यक्रम को करो। कार्यक्रम क्यों जरूरी है सब लोग समझ लो। आपकी बेटी बिगड़ेगी कौन सुधारेगा? तुम काबिल ज्यादा हो, होशियार ज्यादा हो, चतुर ज्यादा हो, तार्किक ज्यादा हो, बुद्धिमान ज्यादा हो, तुम बताओ हमको। तुम्हारी बहू बिगड़ेगी कौन सुधारेगा? पत्नी बिगड़ेगी कौन सुधारेगा? तुम्हारा पति बिगड़ेगा कौन सुधारेगा? अरे बाप बिगड़ेगा उसको कौन सुधारेगा? माँ बिगड़ेगी उसको कौन सुधारेगा? तुम्हारी दादी एटम बम फोड़ेगी उसको कौन कंट्रोल करेगा? कौन करेगा? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। तुमको तो पूरा घर बेवकूफ समझता, पागल समझता। तुमको देख करके घर के लोग अपने सिर में उंगली मारते हैं, कुछ क्रैक माइंड है या बिना ब्रेक माइंड। तुमको पागल समझते, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तुम इनको कैसे बचाओगे, कैसे सुधारोगे? तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तुमको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हैं तुम्हारे घर के लोग, और ना मानो तो चुपके से पता लगा के देखो। तुम सिर्फ समझते हो मैंने बहुत पहाड़ उलट दिया, वो समझते हैं पूरा मूर्ख है, परेशान किए। उनके दिल पे हाथ धर के देखो, जब तुम तीर्थ नहाने चले जाते हो हरिद्वार 10-5 दिन, तब वो कितना खुश होते। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तीर्थ चला जाए तो हमको सौभाग्य मिले। सोने नहीं देता, सुबह हल्ला मचाता, जगाता। कौन सुधारेगा इनको? भाई बिगड़ेगा इसको कौन सुधारेगा? बहन बिगड़ेगी कौन सुधारेगा? मौसी खतरनाक होगी कौन सुधारेगा? कोई है? कोई हॉस्पिटल है? कोई मुख्यमंत्री का बंगला है? नरेंद्र मोदी भी नहीं सुधार पाएगा। वो बस कानून बनाएगा कि 21 साल की लड़की से रेप करोगे तो इतना उम्र कैद, 18 साल की होगी तो 18 साल कैद, 16 साल की लड़की होगी तो फिर जान से मार दूंगा, और 10 साल की लड़की होगी तो तुम्हें हड्डी चूरा कर दूंगा। बस यही कानून बनाएगा। अरे दिमाग कौन सुधारेगा? ये खोपड़ा तुम्हारा कौन सुधारेगा? तुम बिगड़ोगे जब। है कोई? कोई नहीं। कौन है? है वो केवल और केवल है तो सत्संग है। सत्संग में ही आदमी सुधर सकता और कहीं नहीं सुधर। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और सत्संग तुम कराना नहीं चाहते, इसलिए नहीं कराना चाहते। अगर कोई करा रहा तो उसकी हंसी उड़ाते, कहते ये तो कम बुद्धि का है, साधुओं के चक्कर में फंसा पलते। जब देखो तब ढोल बजाता रहता है, कहीं असंग देव इसको पता नहीं कहां से मिल गई, लखीमपुर तरफ से, नेपाल तरफ से, एक से एक ढूंढ के ले आता है जादूगर। उनकी हंसी उड़ाते। अरे दुर्दशा हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, परिवार भ्रष्ट हो जाएगा, सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब शुरू होगा, जुआ खेलेंगे लोग, वो दुर्दशा होगी। कौन सी? घर ही में जुआ खेलेंगे लोग आपस में, और स्त्रियों को नंगी करेंगे, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, वो दुर्दशा होने वाली है। केवल कौरव पांडवों के बीच में भगवान भी खड़ा है, लेकिन फिर भी सुधरा नहीं है कोई, क्योंकि उस बीच में कोई संत नहीं था। अगर संत होता तो बुराइयों का अंत होता, और पांडवों कौरवों के बीच में बसंत होता। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। पूजा संग देव की जय। घर घर में महाभारत छिड़ जाएगी, भाई भाई का मर्डर कर देगा, देवरानी जेठानी को जहर पिला देगी, बहन की हत्या भाई करेगा, बहन भाई को मार देगी। एक कलयुग खतरनाक आने वाला है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस कलयुग में ज्यादा सत्संग की जरूरत है। गांव गांव में सत्संग होना चाहिए। कौन संस्कार देगा? किसकी लोग सुनेंगे? सुनना नहीं चाहते। ये तो कोई बहुत तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी, प्रतिभाशाली परम व्यक्तित्व जब आता है तो हजारों आत्माएं आकर के प्रेम में डूब जाती हैं,
और कान लगा कर सत्संग सुन लेती है और उनकी जिंदगी बदल जाती है, फिर वह बुझे हुए लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं, फिर धरती से अंधेरा मिटता है। कौन बदलेगा? अभी हमारे पास में एक बच्चा आया अलीराजपुर से, खड़े हो जाइए। ये बच्चा बहुत प्रेम है, इसका नाम सुरेश है। अब ये क्यों आया मेरे पास? ये सुधरने के लिए आया। तो ये बिगड़ा कहाँ? बिगड़ा अपने गांव में। तो क्या बिगड़ा? जो बिगड़ा सो बिगड़ा, कितना बिगड़ा, जितना बिगड़ा उतना बिगड़ा, कौन बतावे क्या बिगड़ा? मैं नहीं बताऊंगा, इज्जत का सवाल। लेकिन उसने जब देखा कोई तरफ रास्ता नहीं, अब इतना उसका मन बिगड़ गया कि उसकी पत्नी भी ऊब डूब कर मायके वापस चली गई। उसने जवाब दे दिया, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे साथ। पत्नी गई, बच्चों को भी ले गई। तो इसने सोचा, अब जब पत्नी ही चली गई तो मैं गुरु के पास चला जाऊँ, नहीं तो ये तो जहर खा के मर जाता, आत्महत्या कर लेता, कहीं ट्रेन में कट जाता। लेकिन दिमाग लगाया उसने, असंग देव के पास चलो, उन्हीं की गाड़ी में बैठ लो, उन्हीं के भंडारे में हलवा खाओ और उन्हीं के साथ दाल भात खाओ, उन्हीं के साथ प्रवचन सुनो, हम सुधर जाएंगे, पत्नी फिर अपनी डगर आ जाएगी। अब इसकी खोपड़ी को इसका भाई नहीं सुधार पाया, बाप नहीं सुधार पाया, माँ नहीं सुधार पाई, रिश्तेदार नहीं सुधार पाए, कोई नहीं सुधार पाया। और आज तक मैंने उसको 2 मिनट बिठाकर कुछ भी बात नहीं किया ना, 6 दिन हो रहा, अपने आप 7 दिनों से न दारू पिया है, न पान मसाला खाया है, न कुछ, अपने आप सुधर रहा है। क्योंकि याद रखना, जहां पर ज्ञान की गंगा बह रही है, उस ज्ञान की गंगा में जो प्रवेश करता है अपने आप निर्मल होना शुरू हो जाता है, निर्मल होना शुरू, और अब खुश भी रहता है। जब फर्स्ट दिन उसका चेहरा मैंने देखा तो बिल्कुल भब्बर भब्बर चेहरा था, चेहरा भी ठीक है, हंसता भी रहता है। अब पत्नी का मोह भी खत्म हो गया, मन में कभी कभी सोचता है आ जाएगी तो ठीक है और नहीं आएगी तो ज्यादा ही ठीक है, गुरु पास रहूंगा, क्या झंझट में पड़ना है। इसलिए पत्नियां भी सावधान रहे, नखरा करके मायके वापस मत जाना, नहीं तेरा पति गुरु पास चला जाएगा तो दोबारा ये गधा वापस आएगा ही नहीं। इसलिए अपने अपने संभालो पतियों को, और स्त्रियों को भी तंग मत करना, नहीं तो ये साध्वी बन जाएगी कहीं, तो जहां साध्वी रहती वहां चली जाएगी।